जामनगर में विश्व हिंदू परिषद तेमज बजरंग दल द्वारा कलेक्टर ने आवेदनपत्र आपी रजूआत करवामां आवी हती। जामनगर में विश्व हिंदू बजरंग दल द्वारा गौरक्षा अनुसंधाने जोड़िया और ध्रोलना मार्गों पर गौवंश ने कतलखाने लई जवानी घटना सामे आवी हती। आ समग्र प्रकरण में 13 गौवंश ने कतलखाने लई जता होवानुं जाणवा मळ्युं हतुं, जेथी स्थानिक गौरक्षा टीम द्वारा सोयल टोलना के पुलिस साथे कतलखाने लई जवाता 13 गौवंश मरी आव्या हता। आ दरमियान केटलाक आरोपीने पुलिस द्वारा झड़पी पाडवामां आव्या हता अने आ उपरांत आ गुनामां हजी पण एक आरोपी जयसुख भाई परमार महीनाओ वीती गया छतां पण मरी आव्या नथी, जेथी तात्कालिक आ आरोपी खुल्लेआम फरी रह्यो होय अने जेने झड़पी पाडी गौवंशने कतलखाने मोकलवामां शुं रोल हतो। आ तमाम बाबते निष्पक्ष तपास करवा माटे दिवाळीना तहेवारो दरमियान ज कलेक्टर कचेरी और पोलिस अधीक्षक कचेरीए आवेदन आपीने तात्कालिक कड़क पगला लेवा माटे रजूआत कराई छे। आ वेळाए सौराष्ट्र प्रांत बजरंग दलना संयोजक रविराज सिंह जाडेसा, जामनगर शहर मंत्री सुब्रमण्यम पिल्ले, बजरंग दल जिला संयोजक प्रीतम सिंह वारा, शहर संयोजक विमलभाई जोशी, विहिप गौरक्षा संयोजक धर्मेन्द्र सिंह वारा, विशेष संपर्क संयोजक कल्पेनभाई राजाणी, विश्व हिंदू परिषदना प्रचार प्रसार विभागना जिला संयोजक किंजल भाई कारसरिया, दिलीप सिंह चौहान, अजय सिंह जाधव, ध्रोलना पुनाभाई वोरो, जे जे जाडेजा उपरांत जोड़िया बजरंग दल सहसंयोजक बिपिन भाई वकातर તેમજ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलना अग्रणी कार्यकरोए आवेदनपत्र पाठवी गौवंशनी कतल माटे कतलखाना सुधी पहुंचे ते पहला गौवंश बचावाया छे। त्यारे आ गौवंशने कतलखाने मोकलवामां जे सामेल छे अने फरार छे तेने झड़पी તેમજ तमाम आरोपीओने आकरामां आकरी सजा करवा रजूआत करी छे। हर्षल खंदेडिया, जेडेस टीवी, जामनगर। प्रीतम सिवाड़ा, बजरंग दल संयोजक, जामनगर। ધ્રોલ જોડિયા हाईवे पर ધ્રોલ टोल नाका पास सोयल टोल नाका पास गौवंशने कतलखाने लई जवामां આવ્યા હતા। ત્યાં ગૌરક્ષકની ટીમે पकड़ी અને 5 आरोपी पकड़वामां आव्या हता पुलिस प्रशासन साथे। तेमां 4 आरोपीनी धरपकड़ थई छे। तेमां जे मुख्य आरोपी छे जयसुखभाई परमार करीने तेनी कोई पण धरपकड़ के कांई पण कार्यवाही थई नथी। 21/6/21 ना रोज आ बनाव बनेली हती, तो तेमां 5 महीना थई गया छे कोई पण कार्यवाही करवामां आवी नथी। तो विश्व हिंदू परिषद अने आरोपी छे जे ए खुलेआम फरे छे, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने एवी દિવાળીના પર્વની હાર્દિક શુભકામનાઓ તેમજ નૂતન વર્ષે અભિનંદન। આવનારું નવું વર્ષ આપ સર્વ માટે સુખદાયી તેમજ આરોગ્યમય નીવડે એ જ શુભેચ્છા સાથે પ્રાર્થના। જૈનબ બેન આઈ ખફી, એડવોકેટ, કોર્પોરેટર વોર્ડ નંબર 12 જામનગર, ઉપપ્રમુખ દુઆ ફાઉન્ડેશન, લેડીઝ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ કન્વીનર, ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસના મંત્રી। દિવાળીના પર્વની હાર્દિક શુભકામનાઓ તેમજ નૂતન વર્ષાભિનંદન। આવનારું નવું વર્ષ આપ સર્વ માટે સુખદાયી તેમજ આરોગ્યમય નીવડે એ જ શુભેચ્છાઓ સાથે પ્રાર્થના। રચનાબેન નંદાણિયા, વોર્ડ નંબર 4, કોર્પોરેટર, જામનગર મહાનગરપાલિકા। જેસવાર રાજેશકુમાર બબલુ જગતનારાયણ, રહેવાસી કડોલી મોડી। હું બધા આપણે આમ જનતાને એવું શુભેચ્છા પાઠવું છું કે नव वर्ष न दिवाली ने नूतन वर्ष बधाने सारू निवड़े, बधा आरामदायी सुखदायी रहे एवं हूँ शुभेच्छा पाठवु छुं। समग्र नसवाड़ी तालुका की जनता ने हूँ भारतीय जनता पार्टी ना प्रमुख गोपाल सिंह चौहान आना दीपावली और नव वर्ष शुभेच्छा पाठू से और नव वर्ष सबने फलदायी यशस्वी निवड़े ये बदल हूँ शुभेच्छा पाठू। समग्र गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी ना कार्यकर्ता तरीके अने समग्र उमरगाम थी अंबाजी सुधीनी आदिवासी पट्टी में नवा वर्षना तमाम जनता ने शुभेच्छा पाठवु छूं। दीपावली की शुभेच्छा पाठवु छूं। समग्र गुजरात की अंदर प्रगति थाय, समग्र गुजरात की जनता शांतिमय अने सुखमय प्राप्त करे एवी परम कृपाळु परमात्मा ने प्रार्थना करूं छूं। समग्र जे आखा गुजरात की जे जनता है ये कोरोना महामारी में तीजी लहर की अंदर जे लड़ाई लड़ी रहा है ये महामारी में एमनो सामनो करवानो परम कृपालु परमात्मा एमने शक्ति अर्पे एवी शुभेच्छा साथे हूँ समग्र जनता ने दीपावली और नवा वर्षना शुभकामना पाठवुं छुं। जयसुख भाई भील, गुजरात भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष आदिवासी मोर्चो। नसवाड़ी तालुका प्रमुख तेमज नसवाड़ी तालुकाना भारतीय जनता पार्टीना सदस्य श्रीओ वती हूँ नसवाड़ी तालुकाने जाहिर जनता भाईओ बहनों नवयुवान मित्रों तेमज बाळगोपाळ ने दिवाड़ी तेमज नूतन वर्ष निमित्ते आप सबनु आरोग्य तेमज आवनार वरस सौनु शुभ निवड़े एवी तमाम भाईओ बहनों नवयुवान मित्रों ने शुभेच्छा पाठवुं छुं।